हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक सम्स बताना चाह रहा हूँ जो क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल का है और एक्सरसाइज 6.5 है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 14th 1 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल जो ए बी सी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी साइड बी सी पे ऐसा पॉइंट है जब हम बी सी का 1/3 करेंगे तो हमें जो है ये पॉइंट डी मिलेगा। बी सी का 1/3 करने के बाद जो तुम्हें डिस्टेंस मिलेगी वो बी डी होगी, तो यहाँ पे आपको पॉइंट डी मिलेगा। ए को डी से ज्वाइन कर देंगे तो हमें प्रूफ करना है कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू, यानी 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल होगा 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर के। ए ई इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यानी आपको यहाँ पे ए ई क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ए ई आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी सी पे। आप लोग जानते होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड्स होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई है वो मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, या यूँ कह सकते हो कि बी ई इक्वल टू सी ई कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इंट्रोडक्शन में थी क्वेश्चन के। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। टू प्रूफ 9 AB² इक्वल टू 7 AB², तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे जो फर्स्ट, मतलब आपका स्टेप होगा कि जो साइड ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये तीनों ही इक्वल, तो हम लेट कर लेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, हमने ए लेट कर लिया, यानी हमने हर साइड को ए ए लेग किया है कि ए साइड ये है, ए साइड ये है और ए साइड ये है। सो मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूँ, यानी ये सारी जो साइड्स हैं वो ए सेंटीमीटर या ए यूनिट की हैं, क्योंकि हमें मेजरमेंट तो गिवन नहीं है तो मैंने इसको ए ए राइट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन था। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी आपने लेट किया था ए, तो बी डी आपका हो जाएगा ए अपॉन 3 हो जाएगा बी डी। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड कर लेते हैं कि बी ई क्या होगा। तो बी ई इक्वल टू सी कह सकते हो, अगर बी ई इक्वल टू सी हो गया तो ये शो हो रहा है कि मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप डायरेक्टली लिख लेना कि बी ई क्या हो जाएगा, तो बी ई यानी ई ये मिड पॉइंट था तो बी ई क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा, तो बी सी अपॉन 2 राइट कर दोगे। तो बी सी कितना साइड में लेट किया हुआ है, इसको लेट किया हुआ ए, तो ये ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपका जो है आपने क्या फाइंड किया, बी डी जो कि ए अपॉन 3 है, बी ई जो कि ए अपॉन 2 है, तो डी ई की डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, डी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो उसको बी ई में, बी ई से अगर हम बी डी माइनस कर दें, बी ई से बी डी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई निकल आएगा। तो हमारा जो है बी ई ए अपॉन 2 और जो बी डी है वो ए अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6,
टू डिवाइड बाय सिक्स हो जाएगा थ्री, तो आ जाएगा थ्री ए, थ्री डिवाइड बाय सिक्स हो जाएगा टू ए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए अपॉन सिक्स आ जाएगा, तो डी क्या हो गया आपका, ए अपॉन सिक्स हो गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यही बात इंपॉर्टेंट है कि आप जो है डीई और बीई फाइंड करें, डीई एंड बीई, अदरवाइज सम्स नहीं हो पाएगा। इस बात पे आपको ज्यादा फोकस देना है। स्टार्टिंग से मतलब वही स्टेप्स हमने जो मैंने लिखे हुए हैं, बी डी इक्वल टू वन अपॉन थ्री बी सी, तो बी डी इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटू ए करेंगे, क्योंकि जो बी सी है वो ए थी, बी ई इक्वल टू सी ई, बी ई और सी दोनों इक्वल हैं इसलिए ई मिड पॉइंट हो गया। अगर तुम्हें सिर्फ बी ई फाइंड करना है तो बी सी का हाफ कर दोगे तो आपका जो है बी ई इक्वल टू ए अपॉन टू निकल आएगा। अब आपको निकालना है डी ई, तो डी ई क्या हो जाएगा, बी ई में से माइनस कर देंगे बी डी को तो डी निकल आएगा, तो आपका डी हो जाएगा ए अपॉन सिक्स हो जाएगा। अब इस फ्रेंड आते हैं ट्रायंगल्स में कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स सेलेक्ट करने हैं, तो जो मैंने यहाँ पे ये फाइंड की हैं डिस्टेंसेस उसको मैं अलग राइट कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो डी लिख लेता हूँ सबसे पहले कि डी हमने कितना फाइंड किया है, डीई जो है हमारा ए अपॉन सिक्स है, और जो हमारा बीई है वो ए अपॉन टू है, बी इक्वल टू ए अपॉन टू। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इरेज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहां पर सम्स करना है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम ट्रायंगल लेंगे, एन ट्रायंगल ए बी ई, एन ट्रायंगल ए बी ई, और यहां पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर देनी है, ए स्क्वायर आपको नहीं पता है इसी को फाइंड करना है, बीई ए अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे, ए बी ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फोर इंटू ए हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, तो आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा। ट्राइंगल लेते हैं, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही में लेना है, ए डी ई, एक्चुअली ट्राइंगल ए डी ई इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें ए डी ही प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई उसमें देखते हैं, यानी ये इसका हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू राइट करोगे ए का स्क्वायर और प्लस डीई का स्क्वायर, जो ए स्क्वायर है आपने फाइंड किया थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, तो यहाँ पे थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर राइट कर देंगे, और प्लस जो डीई है डी हमारा ए अपॉन सिक्स का करेंगे स्क्वायर। कई लोग के माइंड में ये होगा कि हमने जो है ए का स्क्वायर क्यों नहीं किया है, क्योंकि मैं ए स्क्वायर ऑलरेडी थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर गिवन है जो स्क्वायर फॉर्म में है ए स्क्वायर के, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर टर्फ की है इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया है। तब यहाँ पे आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36, तो फोर नाइन जा 36, तो 9 3 जा 27 ए स्क्वायर, 36 वन जा 36, तो यहाँ जाएगा सिर्फ आएगा ए स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व करोगे तो 28 ए स्क्वायर अपॉन 36 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी
स्क्वायर इक्वल टू 28 ए स्क्वायर अपॉन में 36 डिवाइड कर देंगे 4 से तो जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा 9 टाइम, तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 9 ए स्क्वायर। 9 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लचेस में तो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए स्क्वायर। अब देखिए सुन, यहाँ पे आ गया 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दे रखा हुआ है तो ए में ऑल साइड्स हैं, आप चाहे ए बी रखें, चाहे ए सी रखें और चाहे वो बी सी रखें। तो क्वेश्चन दे रखा था ए बी प्रूफ करना है तो हम ए स्क्वायर के प्लेस पे ए बी लिख लेंगे, तो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही आपको प्रूफ करना था, आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। If you like this question, please share and comment on my channel. Thank you.